हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज है ट्यूसडे और अभी आप देख रहे हैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी घर से तो निकल गया हूँ, तो अभी गाइस अभी रास्ते में ही हूँ। कल रात ने क्या लाइट ने पूरा दिमाग ख़राब कर दिया था। 6 बजे से गई हुई थी, 6-7 बजे से, फिर रात को आई हूँ 10 बजे समथिंग लाइट। तो अभी गाइस नहा लिया मैंने और इतना सुकून मिला सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहाने में। वाह, हालांकि ठंडा पानी है, हमारी आंटी स्पेशल पानी नीचे स्टॉक में जमा करके रखते हैं, फिर रूम उसका चलाते हैं, उससे पानी एकदम ठंडा आता है सुबह का। बाकी टाइम तो फिर बॉइलिंग हॉट दोपहर में। तो अभी गाइस नहा लिया है और अभी तैयार होता हूँ, देन फिर पूजा नहीं, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर तैयार होकर फिर चलते हैं। तो अभी गाइस पूजा भी कर ली है और अभी तैयार भी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए, निकलते हैं अभी। अभी गाइस गर्मियों के दिनों में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट तो पानी, सेकंड लाइट। अगर लाइट ना रहे तो हवा नहीं मिलेगी रात के टाइम या दिन के टाइम के, मतलब बिना पंखे एग्जॉस्ट कूलर के तो काम ही नहीं चलता। के साथ साथ में क्या अभी हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी सी, मज़ा आ रहा है। अभी धूप है, कोई दिक्कत नहीं, पर हवा चल रही है, हवा भी चलती क्या है कि मेरे बाल ख़राब हो गए, अब दोबारा से फिर बनाने पड़ेंगे। अभी गाइस पहुंच गया मैं भी ऑफिस में। ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी पर आने वाली है नहीं, खाली हवा चल रही है। तो अभी गाइस निकल गए ऑफिस से और अभी जा रहा हूँ सीधा घर के लिए। यहाँ पर आजकल पता नहीं क्या प्रोग्राम हो रहे हैं डेली। यहाँ पर देखो कितना क्राउड है पीछे, ये लग जहाँ हम लोग की गाड़ी पार्किंग होती है वहीं पे इन लोग की भी है, बहुत रश रहता है यहाँ पे। हो सकता है कुछ फंक्शन अब वगैरह हो रहा हो, उसके चलते डेली यहाँ पे रश रहता है। तो भाई यहाँ देखो बच्चों के लिए, हो सकता है पूरा प्रॉपर ग्राउंड बन रहा है खेलने के लिए, बट ठीक है अभी घास वास काट दी, बहुत अच्छा लग रहा है अभी देखने में। कल के दिन तो लाइट ने बहुत परेशान किया था, आज सही रहे, मतलब ठीक ठाक रहे तो अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और आज करनी है, दी से भी कॉल करनी है, धर्मा दी से, क्योंकि कल आया था कॉल, मैंने सोचा कल बात करूँगा, तो कल लाइट के चलते वैसे परेशान थे, तो आज करेंगे दी को भी कॉल। अभी गाइस पहुँच गया हूँ घर में। तो अभी गाइस अभी पी रहा हूँ चाय, क्योंकि शाम का टी टाइम चल रहा है अभी, और चाय के साथ है ये भाभी लेके आई है बाहर मार्केट से, आलू की चिप्स हैं ये चिप्स। पापा जी भी बैठे आराम से चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर कॉल करनी है, फिर कॉल पे बात करेंगे। चलो पापा कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ बात करेंगे अभी। तो अभी इस दी से तो बात कर ली है बहुत, यानी कि 1 साल के बाद बात की थी, तो वो कह रहे थे कि चाचा जी से बात नहीं हुई थी, देन हमने भी बात करी, तो काफ़ी खुश थी बात करने में। कैसा लगा पापा? अच्छा लगा हाँ, वो भी काफ़ी खुश थे क्योंकि इतने दिनों के बाद हमने बात किया और तो टाइम मिल नहीं पाता, मैं खुद को भी अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाता। ऑफिस से आओ, सुबह पहले उठो, ऑफिस आओ, फिर ऑफिस के बाद घर आओ, फिर वही खाना हालांकि क्या बनाना तो पड़ता नहीं, भाई बना के दे देती है, पर अपना खाओ, पर क्या कि अपने को भी टाइम निकालना पड़ता है, फिर अपना वही अपना रोज का काम है, ब्लॉगिंग है, वो हर चीज़ है, मतलब बिजी रहता हूँ, एक बिजी शेड्यूल रहता है, उसके चलते क्या है कि अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाता, खुद पापा को भी टाइम नहीं दे पाता, ना अपनी बहनों को, ना किसी से बात बात करनी है, कोई ज़्यादा वो नहीं मतलब नहीं है, बट क्या है कि एक काम कर रहा हूँ अपना और ये इसी को अपना प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ मैं, कि मैं यूट्यूब पर काम करूँ प्रॉपर। आप लोग का मेरे को सपोर्ट भी चाहिए उसके लिए, तभी मैं इस चीज़ को ज़्यादा आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। अगर आप लोग को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा? बट क्या है कि अभी भी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे आगे भी चाहिए आप लोग का साथ, ताकि मैं कंटिन्यू करता रहूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिकली यूट्यूब पर ही काम करूँ प्रॉपर, दैट्स इट। तो अभी गाइस गर्मी बहुत हो रही है,
और नहाने के लिए जाता हूँ अभी, क्योंकि और दिन तो मैं आके नहा लेता था जल्दी, पर आज इससे बात वात भी करनी थी और भी काम था, तो अभी चलते नहाने। तो अभी गाइस मैं तो नहा के आ गया हूँ और पापा जी अभी गाने सुनने में लगे हुए हैं। मेरे को कुछ काम करना, मेरे को कहीं सूरज से बात, उसका कॉल आया था, बोला था मामा कुछ पर्सनल बात करनी है, तो अभी देखो मैं करता था सूरज से बात, पापा जी अपने गाने सुनने में लगे हुए। ये देखो पहाड़ी गाने अच्छे लगते हैं पापा को, मस्त है पापा। तो अभी गाइस सूरज से तो बात बात भी कर ली है और उसके साथ आई थी एक घंटा बात की है, लगे रहते हैं हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उसके से बात बात करने में। तो अभी गाइस अभी करता हूँ डिनर, खाओगे पापा? हाँ बाद में खाओगे फिर आप? ठीक है, टीवी देखो पहाड़ी गाने मस्त हैं। तो अभी गाइस डिनर में बहुत सारा चीज़ है, राइस भी है और ये आलू की सब्ज़ी है, आलू का झोल और ये घिया चना और रोटी। तो गाइस डिनर करते हैं अभी। तो अभी गाइस डिनर तो कर लिया और धर्मदी से बात भी कर ली थी, देन फिर आज शीला का भी कॉल आया था, शीला से भी बात कर ली। तो अभी कर रहा हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, खाना वाना भी खा लिया है, अभी कल सुबह ऑफिस में जल्दी जाना होता है। पापा जी तो अभी बाहर वॉक करने पे लगे हुए, वो नाइट के टाइम पर वॉक करने पर लग जाते हैं, उनको बस घूमने के लिए चाहिए, बट खाना वाना खा के अभी तो खाना खाया नहीं, वो भैया का वेट करते हैं, बाद में खाना खाएँगे वो, अभी वो बाहर वॉक करने पर लगे हुए हैं। तो गाइस मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।